अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मोहसिन आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं Realme U1 की स्पेक्स और ये बताने वाला हूं कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है जो कि मिड रेंज में बेस्ट रहेगा और मिड रेंज किंग भी कह सकते हैं अगर इसकी प्राइस की बात की जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसकी बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में सबसे पहले इसकी बात करेंगे इसकी स्क्रीन साइज की, तो 6.3 इंच की एक बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी जिसके ऊपर आपको मिलने वाला है यहाँ पर 409 पिक्सल पर इंच वाला एक डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले के ऊपर आपको मिलेगा एक नोट जिसके ऊपर आपका फ्रंट कैमरा होगा और बाकी इसके जो स्क्रीन साइज 409 पिक्सल पर इंच का है। और इसके जो कैमरों की बात की जाए तो फ्रंट साइड पर जो कैमरा है वो 25 मेगापिक्सल का और जो बैक साइड पर कैमरा है वो 13+2। बैक कैमरा में यहाँ पर डिसअपॉइंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 13+2 यानी कि आपको डेप्थ मोड मिलेगा जो कि रात के वक्त इतना अच्छा नहीं रहता। और ओप्पो के कैमरे हमेशा यहाँ पर रियलमी के कैमरे रात के वक्त इतने अच्छा परफॉर्म नहीं करते। अब इसकी बैक की बात की जाए काफ़ी शाइनी लुक देती है और एक अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। ओवरऑल फोन डिज़ाइन के हवाले से काफ़ी अच्छा और ट्रेंडिंग लुक देता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है वो है Helio P70 जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। P60 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर था, अब इन्होंने अपग्रेड किया है अपने प्रोसेसर को जो कि है P70 जो कि MediaTek का प्रोसेसर है जो कि माली का G71 MP3 पे काम करता है। ये इसका एंड्रीनो का सॉरी ये इसका GPU था और अब इसकी 8 कोर्स पे होते हैं जो कि 4 कोर अलग काम करते हैं और बाकी के 4 कोर अलग रनिंग करते हैं। अब इस प्रोसेसर की बात की जाए तो ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करता है और जो कि आपको एक अच्छा स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकता है और एक अच्छा परफॉर्मेंस ओवरऑल परफॉर्मेंस दे सकता है। अब इस फोन की बाकी स्पेक्स की बात की जाए जैसे कि इस फोन के अंदर जो बैटरी रखी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ज़्यादा नहीं मतलब ना कम ना ज़्यादा सेंट्रल रखी हुई है। 3500 mAh इसकी बैटरी है जो कि आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकती है। मैक्सिमम 1 डे आपको प्रोवाइड कर सकती है और VOC की चार्जिंग के साथ आप इसे इजीली चार्ज कर सकते हैं फास्ट जैसे कि ओप्पो कहता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ओप्पो का अपना OS UI जो कि कलर UI जो कि कलर OS UI है 5.2 उसका वर्जन ये यूज़ करेंगी और एंड्रॉयड का 8.1 यहाँ पर ऑडियो यूज़ होगा इस फोन के अंदर रनिंग होगी। अब बाकी इस फोन की बाकी स्पेक्स की बात की जाए जैसे कि इस फोन के रैम ऑप्शन तो 3 GB रैम और 32 GB के वेरियंट के साथ आएगा। 464 की अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन शायद ही एक दो हफ्ते तक इनकी अनाउंस हो जाएगी ये 464 भी कर रहे हैं लेकिन इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन इसका जो मेन वेरिएंट है वो 332 ही है। अब बाकी मैं इस फोन की टोटल बात करूँ ओवरऑल तो इस फोन की जो स्पेक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। प्रोसेसर आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, बस कैमरे में आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, बैक कैमरा इतना अच्छा नहीं है और बैटरी भी आपको अच्छी खासी मिल रही है, एक मिड रेंज बैटरी मिल रही है और एक अच्छा डिस्प्ले भी आपको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से फोन एक पूरा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है और आपको इसे बाय कर लेना चाहिए। इस फोन की प्राइस होगी पाकिस्तान में 30,000 रुपये, जैसे आप 30,000 या फिर 28,000 के दरमियान इसकी प्राइस होगी तो आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। पाकिस्तान में जल्द से जल्द लॉन्च हो जाएगा और आप इसे ऑफलाइन मार्केट से भी बाय कर सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन मार्केट से भी। ऑनलाइन में पाकिस्तान में 2 से 3 ही वेबसाइट्स हैं जो इसे आपको प्रोवाइड कर सकती हैं, दराज है और ये प्रोमो और एक और भी वेबसाइट है जिससे आप बाय कर सकते हैं GoTo.pk, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। बाकी फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है और मुझे काफ़ी पसंद आया और Y7 Pro 2019 से ये काफ़ी बेहतर है क्योंकि प्रोसेसर की बात की जाए तो इसका प्रोसेसर फार बेटर है उस प्रोसेसर से जो कि Y7 Pro यूज़ कर रहा है, हॉबी यूज़ कर रहा है Y7 Pro में। हॉबी लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, कोई वीडियो आइडिया है तो मुझे नीचे बता सकते हैं और वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों के साथ जिन्हें इस तरह के फोन पसंद हैं और बाय करने हैं। हॉबी लाइक दिस वीडियो, ओके गुड बाय।